सोच नहीं सकते हैं कि इस जगह पे खड़े होके ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इतना पुराना और बहुत जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको लेके चलूंगा तमिलनाडु के महामल्लीपुरम स्थित ऐसे मंदिर में जो अपने आप में एक इतिहास है। हजारों साल पुराना यह मंदिर सुनामी के टाइम पे लाइमलाइट में आया, पहली बार इसे देखा गया। तो हमने अपने सफर की शुरुआत की दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां से हमने चेन्नई एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ली। और खास बात यह थी कि अन्नियारू की ये पहली फ्लाइट थी और चेन्नई ने हमारा स्वागत किया जोरदार गर्मी के साथ और हम पहुंच गए अपने होटल विवांताबाई ताज चेन्नई, जो कि एयरपोर्ट से लगभग आपका जो है 40-45 मिनट की दूरी पे था। जाके हमने आराम से थोड़ा सा रेस्ट किया और जल्दी से फिर हम निकल चुके मंदिर के लिए। एक्सप्लेन अगेन महा नहीं एक बार अंजलि कैसे महाबलीपुरम। ओके अभी भूल रहा था तो अभी मुझे सही से वो मिल गया है कैसे कैसे बोलना है महाबलीपुरम। सो वेयर आर सो मेनी मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल्स, बोल सकते हैं महाबलीपुरम में बहुत सारे टेंपल्स और मॉन्यूमेंट्स हैं जहां हम विजिट करेंगे। अच्छा अच्छा, महाबलीपुरम जगह है? इट्स अ टाउन। ओके, मुझे लगा कि वो मंदिर है। अच्छा सर, शो टेंपल जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के पास है ना, वो हम जाएंगे। इनिशियल इट वॉज अंडर द वॉटर, पानी के अंदर था। जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तब लोगों को पता चला कि ये मंदिर भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जब चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग हमारे देश आए थे तो मोदी जी उनको वहाँ स्पेशल लेके गए। अच्छा, इसमें बीजेपी टच भी है मतलब? नहीं है, इस टेंपल में एक भी आइडल नहीं है। ओके, तो इस बार पहली बार हम कहीं घूमेंगे। आज तक हम कहीं भी गए हमने एक भी साइट सीन कभी नहीं किया, कभी भी। मतलब अगर 5 दिन के लिए गए हैं तो 5 के 5 दिन अपना होटल में गए और वहीं से ही वापस। नहीं मतलब, तो दोस्तों हम निकल चुके हैं सोल टेंपल तमिलनाडु के लिए और आप देखेंगे एक साइड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है रोड के और दूसरी साइड है साल्ट लेक। तो ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। बहुत ज़बरदस्त मौसम और ये हम पहुँच चुके हैं सोल टेंपल और बहुत अच्छी जगह अपने आप में, आपको मस्ट विजिट जगह है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे टिकट है मात्र 40 रुपए, फॉरनर्स के लिए 600 और बच्चों के लिए 15 साल से नीचे कोई टिकट नहीं है। सोच रहे फॉरनर्स कहाँ से आ गए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं महामल्लीपुरम स्थित सोल टेंपल में और ये जो आप पूरा का पूरा टेंपल देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि इसकी पता ही इसका तब लगा जब 2004 में जब पहली बार सुनामी जब आई थी तभी इसकी जो है बहुत सारी चीज़ों का पता लगा। और अपने आप में बहुत ही प्राचीन और बहुत ही विशाल मंदिर। देखो इसके बारे में सबसे खास बात मैं जल्दी से बता दूं कि सबसे पहले तो ये 700 से 728 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ और जो पल्लव शासक राज सिंह थे नरसिंह द्वितीय, उन्होंने इसका जो है एक तरह से इसको बनवाया। अब समझो 700वीं ईस्वी में। और इसकी खास बात ये जो दो, ये आपको एक तो चारों तरफ से इसको देखोगे आप, नंदी ने इसको घेर रखा है पूरे, इसमें जो है चारों तरफ पूरे मंदिर के जो है नंदी ही नंदी जो है आपको दिखाई देंगे। और ये शिव मंदिर और विष्णु, इसमें दो मंदिर हैं, मतलब एक का द्वार जो है वो है आपका पूर्व की तरफ, ये जो आप देखेंगे पीछे वाला दो हैं, एक का पूर्व की तरफ मुँह है और एक का पश्चिम की तरफ मुँह है, जिसको नॉर्मली क्रम से है क्षत्रिय सिंहेश्वर व राज सिंहेश्वर दो ये जो तो दोस्तों ये मंदिर अभी जो है ये यूनेस्को के अंडर है। और इसमें देखेंगे आप कि ये पीछे का जो मंदिर है ये वो वाला पार्ट है और ऐसे ही बिल्कुल एक सामने की तरफ मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फ्रंट वाला मंदिर और इसके बिल्कुल पीछे ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पीछे वाला जो मंदिर धीरे धीरे आ रहा है इसका बिल्कुल गेट बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती है क्योंकि एक प्रकृति की धरोहर के रूप में ही अभी जो है ये मॉन्यूमेंट ही है ये पीछे वाला मंदिर। तो ये बहुत टाइम तक मतलब ये समझो कि पूरी सदियों तक ही ये जो है पूरा पानी के अंदर रहा है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी देखो कि पत्थर भी जो है ना वो बिल्कुल किस तरह का हो गया है पानी के अंदर।
ऊपर था ना। मम्मी शायद जुड़े गए हैं। है ना ये रथ? हाँ वो लगभग लगभग जैसे शेर शेर का सा ना। हाँ ये वही देवी देवता वगैरह जो है, ये पूरे स्ट्रक्चर अभी सिर्फ वो फील आ रही है। ये देखो हाथ जोड़ के जैसे कोई ना। हाँ ये देखो शेष नाग का कुछ जो है ना। ये शेर है, ये वाला शेर है। देखो ये भी कुछ है, ये इधर नटराज टाइप का जैसे वो है ना। सोच नहीं सकते हैं कि इस जगह पे खड़े होके ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब इतना पुराना और बहुत जबरदस्त। देखिएगा ये है हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। नॉर्मली हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो हम इन चीजों को छोड़ देते थे, बट अभी हम इस बार देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये जितना भी पूरा एरिया देख रहे हैं, पहले ये सारा का सारा समुद्र के अंदर था, यहाँ पे पानी होता था। जब 2004 में सुनामी आई थी तब इसका पहली बार पता लगा कि भाई यहाँ पे ऐसी भी स्ट्रक्चर है। और आप ये देखिएगा अभी भी पूरी ये जो बाउंड्री दिख रहे हैं, क्योंकि ये सी लेवल पे है इसीलिए पूरी बाउंड्री इसको सेपरेट करने के लिए बनाई है कि समुद्र का पानी ऊपर ना आए। और ये भी देखेंगे, ये तो रात यहाँ पे बारिश हुई है उसकी वजह से ये पानी है। और ऐसा देखेंगे बहुत सारे ऐसे नए नए स्ट्रक्चर हैं जो इसमें उभर के आए हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है, वो तो एक पुरातत्व विभाग जो है वो उसकी अपना एक है कि भाई वो क्या जानकारी इसके बारे में और निकालता है। मुझे इतनी ही जानकारी है। और ये पीछे पूरा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी पीछे आप देख सकते हैं इस रेलिंग के। तो दोस्तों गर्मी ने कर दिया हाल बेहाल, तो अब आंटी के स्किल्स को देखते हुए टाइम था मज़े लेने का साउथ के नारियल पानी का, जो बहुत बढ़िया लगा। और नारियल पानी पीने के बाद तुरंत नज़र गई डॉक्टर पूजा की कच्चा कैरी पे। और कच्चा कैरी का मज़ा लेने के लिए मैंने तुरंत उसको बोला कि भाई एक कच्चा कैरी बनाओ और जाके डॉक्टर पूजा को दिया। और ये देखो इसका साइज़ भी बिल्कुल अलग तरह का है। तो अब वक्त था हमारा पंचरथम टेम्पल जाने का, जहाँ पे पांच तरह यानी कि पांच रथ हैं और वो बड़ी बड़ी शिलाएं यानी कि पहाड़ को काट के बनाए हुए हैं। तो डॉक्टर पूजा को सरप्राइज़ के तौर में गुलदस्ते की तरह वाला कच्चे कैरी देने के बाद हम निकल चुके हैं पंचरथम टेम्पल के लिए। तो दोस्तों हमारे इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिएगा। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा पंचरथम टेम्पल के बारे में, जहाँ पर पूरी शिलाओं को काट के पांच रथों के रूप में मंदिर को बनाया गया है। और ये बीच में ही रोक दिए गए थे, क्यों रोके उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिएगा।